पिछले कुछ दिनों पहले घर में लूटपाट और चाकू से गोदकर हत्या की वारदात को अंजाम देकर फरार चल रहे आरोपियों के खिलाफ पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर उनके पास से लूट का सामान भी बरामद कर लिया है। कटनी जिले के आधारकाप इलाके में पिछले कुछ दिनों पहले व्यवसायी मनीष शर्मा के घर में लूटपाट की घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों के खिलाफ जांच में जुटी पुलिस टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। एसपी अभिजीत रंजन ने घटना की सिलसिलेवार जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी घटना को अंजाम देकर फरार चल रहे थे, जिन्हें उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले से लूट के सामान सहित गिरफ्तार किया गया है। इन आरोपियों ने लूट की घटना को अंजाम देने के बाद परिवार के सभी सदस्यों को चाकू से गोद डाला था, जिसमें परिवार के मुखिया मनीष शर्मा की मौत हो गई थी। एसपी ने बताया कि आरोपी आधारकाप इलाके के रवि निषाद, आशीष निषाद, साहिल निषाद, कुलदीप निषाद और सचिन निषाद हैं, जिनमें से एक अन्य आरोपी अभी फरार है, जिसे भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पूरे प्रकरण को बड़ी गंभीरता से लेते हुए कटनी पुलिस ने हमारे सीनियर अधिकारियों के मार्गदर्शन में हम लोगों के प्रयास से इसमें हमने सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 6 आरोपी इसमें टोटल हैं, जिनमें से 5 को अभी हमने गिरफ्तार कर लिया है और एक आरोपी जो है उसकी सरगर्मी से तलाश जारी है और हमें उम्मीद है कि वो भी एक दो दिन में हमारी गिरफ्तार होगा। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।